बढ़ते हैं आगे। बेंगाबाद के गिरिडीह देवघर मुख्य मार्ग के खंडोली मोड़ के पास घने कोहरे के कारण स्कूल वैन और ऑटो के बीच टक्कर हो गई। इसमें ऑटो के परखच्चे उड़ गए और दो यात्री गंभीर रूप से जख्मी हो गए। स्कूल बस में सवार बच्चे बाल बाल बच गए। स्थानीय लोगों के सहयोग से घायलों को इलाज के लिए गिरिडीह अस्पताल भेजा गया है। ये बड़ी खबर देखिए, कोहरे का कहर, और ये बार बार अपील भी की जा रही है चालकों से कि कोहरे का असर दिख रहा है तो थोड़ी सावधानी बरतें, सेफ ड्राइव करें। और देखिए, कोहरे की वजह से ही ऑटो और स्कूल वैन की टक्कर हुई, और टक्कर कितनी जबरदस्त है जरा ऑटो को देखकर आप अंदाजा लगाइए। परखच्चे उड़ गए ऑटो के। ऑटो में सवार दो यात्री गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। गनीमत रही कि जो वैन में सवार बच्चे थे, स्कूल के बच्चे, वो बाल बाल बच गए हैं, वो सुरक्षित हैं। गिरिडीह के बेंगाबाद की यह तस्वीर है। स्कूल वैन और ऑटो में भिड़ंत हुई है। ऑटो में दो लोग सवार थे जिन्हें चोटें आई हैं, गंभीर चोटें आई हैं, उन्हें अस्पताल भेजा गया है। लेकिन दूसरी तरफ राहत की बात यह कि स्कूल वैन में जो बच्चे सवार थे, स्कूली बच्चे, वो बाल बाल बच गए हैं, वो सुरक्षित हैं। सहयोगी मनीष इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनीष, कोहरे की वजह से ये स्कूल वैन और ऑटो की टक्कर? जी आरती, मैं बता दूं, ये जो घने कोहरे कारण आज एक बड़ी हादसा होने से बाल बाल बच गए हैं। बता दें कि यह जो घटना घटी है, एक स्कूली बस है और एक ऑटो में जोरदार टक्कर हुई है, और जोरदार टक्कर जितना जबरदस्त टक्कर थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए हैं और उसमें स्कूली बस में सवार बच्चे सभी सुरक्षित हैं, बताए जा रहे हैं। यह जो घटना घटी है, गिरिडीह देवघर मुख्य मार्ग है और खंडोली मोड़ समीप की यह घटना है। बताया जाता है ये जो स्कूली बस है वो सलजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल बस है और वह अत्यधिक रफ्तार में आ रही थी और रॉन्ग साइड में कह सकते हैं ऑटो अपने किनारे जा रही थी और उसके ठीक विपरीत दिशा में आ रही स्कूली बस ने उस ऑटो सवार ने मारी है, जोरदार टक्कर मारी है, जो ऑटो के पूरा परखच्चे उड़ गए हैं। उसमें दो लोग थे सवार, जो दोनों के काफी स्थिति गंभीर बताई जा रही, दोनों घायल हो गए हैं और स्थानीय लोगों के सहयोग से उस घायल को अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है वो दोनों घायल मजदूर के एक का पैर कट गया है, ऐसा मतलब ग्रामीणों का कहना है। और यह स्कूल की लापरवाही सामने आ रही है, इतना अत्यधिक ये रफ्तार वाहन चलाते हैं स्कूली बच्चों को लेकर और बच्चों के भविष्य के साथ जान से खिलवाड़ करते हैं। कहीं ना कहीं ये स्कूल के चालकों के ऊपर लापरवाही कह सकते हैं। यह जो घटना घटी है, यह जो घने कोहरे के कारण है, यह घटना मतलब अनुमान लगाया था कि घना कोहरे कारण घट सकती है, क्योंकि यह जो वैन ने टक्कर मारी ऑटो को वो एकदम बिल्कुल रॉन्ग साइड में है। ऑटो अपने बायां साइड में जा रही थी और स्कूली जो बस था वो दाहिने साइड में जाके मारी है, जिसमें करीब 15 से 20 बच्चे उस स्कूली बस में सवार थे और फिलहाल बच्चे सब सुरक्षित हैं और उन लोगों को वहां से फिर तो ये तो बड़ी लापरवाही है मनीष। आप देखिए, एक तो कोहरा है, ऊपर से आप ओवर स्पीड में रखे, क्योंकि ये स्पीड कितनी थी इसी से अंदाजा, ये जो तस्वीर है वो बता रही है कि स्कूल वैन की स्पीड बहुत ज्यादा रही होगी, इस वजह से इतना परखच्चे उड़ गए हैं ऑटो के। दूसरी तरफ आप रॉन्ग साइड में भी जा रहे थे, तो ये बड़ी लापरवाही है चालक की। जी मैडम, ये बता दूं, ये जो लापरवाह है यहाँ इसके जो चालक है, अत्यधिक रफ्तार में वाहन चलाते हैं, कुछ समझते नहीं है रोड को, जहाँ जगह मिले ना मिले अत्यधिक रफ्तार में ये लोग बराबर वाहन चलाते हैं। और इतना अत्यधिक रफ्तार था वाहन का कि आप समझ सकते हैं कि जो वाहन गिरिडीह से बेंगाबाद की ओर जा रही थी ऑटो, उसको मतलब इतना जबरदस्त टक्कर था कि उसको पलट। चलिए अब ये देखना होगा मनीष कि जो दो घायल हैं उनको जल्द से जल्द उनको चिकित्सीय सुविधा मिले, वो जल्द से जल्द उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बेंगाबाद से ये खबर, जहां कोहरे की वजह से एक स्कूल वैन ने ऑटो में टक्कर मार दी और ये टक्कर बहुत जोरदार रही। ये कहा जा रहा है कि बहुत तेज गति से स्कूल वैन आ रही थी और गलत दिशा से में जाकर ऑटो को उसने टक्कर मारी है, ऑटो के परखच्चे उड़ गए हैं। इस ऑटो में सवार दो लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है, हालांकि उन्हें अस्पताल रेफर किया गया, भेजा गया है उन्हें। गनीमत बस ये रही कि स्कूल में जो स्कूली वैन में जो बच्चे थे वो सुरक्षित हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।